नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय YouTube चैनल द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आज के पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए बहुत बहुत हाजिर है। दोस्तों, यहां पर पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी गुत्थी कब और कैसे सुलझेगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में पूरे रुझानों के आम आदमी पार्टी पंजाब के विधानसभा चुनाव जीतती नजर आ रही है, लेकिन पार्टी में सामने सबसे बड़ी समस्या है कि पंजाब में वह सीएम चेहरा किसको बनाए। भगवत मान की पार्टी मुख्यमंत्री वाली बात नजर नहीं आती और सिद्धू फिलहाल आप में आएंगे ऐसे में कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जानेंगे दोस्तों आगे की अपडेट, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको तमाम जानकारी व अपडेट मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। तो जानते हैं आगे की अपडेट क्या है, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार फिर से चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से पार्टी से सामने वही पुरानी समस्याएं मुंह बनाई खड़ी है। आगामी चुनाव में कौन होगा आम आदमी पार्टी का मुख्य मंत्री पद का चेहरा। 2017 में विधानसभा चुनाव पूर्व भी कुछ ऐसी ही स्थिति में आपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया था। हालांकि आप 117 सदस्यों वाली विधानसभा दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनने कर जरूर उभरेगी, पर चुनाव का परिणाम एक तरफा रहा। कांग्रेस पार्टी 72 सीट जीतने में सफल रही और आपके प्रत्याशी 20 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाए। अन्य कारणों के साथ अपने के पिछड़ने का एक बड़ा कारण भी था, आपका मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता का प्रोजेक्ट नहीं करना पाया। आम आदमी पार्टी शायद इस बार वही गलती दोबारा नहीं करेगी, पर समस्या यह है कि आपके पास ऐसा कौन सा नेता है जिसके प्रोजेक्ट करने में मतदाताओं का रुझान पार्टी की तरफ हो जाएगा। पिछले चुनाव में जहां आपने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को और शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी संगठबंधन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को प्रोजेक्ट किया था। अकाली दल और बादल कुटुंब के भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बदनामी का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और आपको पिछड़ गई। दोस्तों, आखिरकार क्या इसी बार भी आपके साथ वही घटना होने वाली, क्या या फिर आप आदमी पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री पद चेहरा घोषित करेगी और इस बार कुछ नया करेगी। क्या दोस्तों यहाँ पर झाड़ू का काम जारी रहेगा या फिर सिद्धू पाजी जो खिंचातान चल रही कांग्रेस के अंदर उसको लेते हुए यहाँ पर आम आदमी के अंदर शामिल होंगे। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर चारों पार्टियों में से अगला सीएम कौन होगा, जानेंगे तमाम अपडेट और ओपिनियन पोल। उससे पहले आप सभी से अभी तक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और तमाम जानकारी मिलती रहेगी सभी सब हमारे इसी चैनल के माध्यम से। तो जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।